ओम शांति। 30/12/2022 यानी 30 दिसंबर 2022 की प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा, मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे दूर देश से बाप आए हुए हैं, शांति धाम से बाप इस धरती पर आए हुए हैं। किस लिए आए हुए हैं? धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने के लिए। जब देवी देवता धर्म है तो राजाई भी देवी देवताओं की ही है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं है। आज का प्रश्न है, सतयुग में सभी पुण्य आत्माएं होती हैं, कोई पाप आत्मा नहीं होती, इसकी निशानी क्या है? मतलब हमको कैसे पता चला कि सतयुग में सब पुण्य आत्मा ही होती हैं, कोई पाप आत्मा नहीं होती? तो इसका उत्तर है, सतयुग में कोई बीमारी आदि नहीं होती है। यहाँ बीमारियां आदि सिद्ध करती हैं कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही हैं, जिसे ही पिछला हिसाब किताब कहा जाता है। ठीक है, आज का प्रश्न है कि सतयुग में सभी पुण्य आत्माएं होती हैं, कोई भी पाप आत्मा नहीं होती, इसकी निशानी क्या है? तो इसकी निशानी ये है कि सतयुग में कोई भी बीमार नहीं पड़ता है। अब बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि सतयुग में सभी पुण्य आत्माएं होती हैं। ठीक है, सतयुग में कोई भी बीमारी आदि नहीं होती, सतयुग में कोई भी मनुष्य बीमार नहीं पड़ता। इससे ये सिद्ध होता है कि सतयुग में सभी मनुष्य की आत्माएं पुण्य आत्माएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ कलयुग में तो सभी आत्माएं बीमार पड़ती हैं, इस कलयुग में तो सभी मनुष्य बीमार पड़ते हैं। अब बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि वो पाप आत्मा हैं, उनके पास पिछला पाप जमा है। ठीक है, इसलिए वो पापों का फल भोग रहे हैं। ठीक है, तो सतयुग में किसी को बीमारी आदि नहीं होती है। इससे ये पता चलता है कि सतयुग में केवल पुण्य आत्माएं होती हैं, कलयुग में तो सबको बीमारियां होती हैं। तो इसका मतलब कलयुग में पाप आत्माएं होती हैं, जिसका फल हम भोग रहे हैं पाप बीमारी के रूप में। ठीक है, आज का फिर दूसरा प्रश्न है, बाप के किस इशारे को दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? बाप के किस इशारे को ब्राह्मण बच्चे ही समझ सकते हैं? तो इसका उत्तर है, बाप इशारा करते हैं कि बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ, यहाँ बैठे बाप को याद करो, प्यार से अगर याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे, तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और गीत का अर्थ भी समझा। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता है, यह तो पढ़ाई है, धीरे धीरे कॉलेज खुलते जाएंगे। यह हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी, इसको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट, इसको कहा जाता है पांडव सरकार। अब गवर्नमेंट कहा जाता है सावरंटी को, गवर्नमेंट कहा जाता है राज्य को। अब तुम बच्चे जानते हो, राज्य की स्थापना हो रही है, अब धर्म की भी स्थापना हो रही है और स्वर्ग की यानी राज्य की भी स्थापना हो रही है। रिलीजो पॉलिटिकल, देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है, और कोई भी धर्म वाले राजाई स्थापन नहीं करते हैं, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, तो क्राइस्ट ने केवल क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की है, किसी भी राजाई की स्थापना नहीं की है। लेकिन यहाँ पर परमपिता परमात्मा देवी देवता धर्म की स्थापना तो करते ही हैं, उसके साथ साथ नए राज्य की भी स्थापना करते हैं, नई राजाई की भी स्थापना करते हैं, स्वर्ग की भी स्थापना करते हैं। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, लेकिन राजाई की स्थापना नहीं की, लेकिन परमपिता परमात्मा देवी देवता धर्म की स्थापना तो करते ही हैं, उसके साथ साथ दैवी राज्य की भी स्थापना करते हैं, स्वर्ग की भी स्थापना करते हैं। ठीक है, बाबा कहते हैं, मैं आदि सनातन धर्म और राजाई स्थापन कर रहा हूँ, इसीलिए रिलीजो पॉलिटिकल कहा जाता है। बच्चों को बहुत दूरा देश बुद्धि बनना चाहिए, बाप दूर देश से आए हुए हैं ना, वैसे तो दूर देश से तो सब आत्माएं आती हैं, तुम भी दूर देश से ही आए हो,
नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं उनकी आत्माएं दूर से आती हैं, वह हैं धर्म स्थापक, और इसको कहा जाता है धर्म और सावरंटी स्थापक। जैसे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, ठीक है, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की, तो ये सब धर्म के स्थापक हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा ने देवी देवता धर्म की स्थापना के साथ साथ स्वर्ग के राज्य की भी स्थापना की, तो और सभी धर्म स्थापक केवल धर्म स्थापक हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा धर्म के साथ साथ राज्य स्थापक भी है। भारत में सावरंटी थी, भारत में ही स्वर्ग था, महाराजा महारानी थे, महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। तो अब तुम बच्चे कहेंगे कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ आ करके पुरानी दुनिया को बदल, नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता है ना, बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशन वाले बनते हैं, ख्याल करते रहते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाएं। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं, स्वर्ग में हम हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे, दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझेंगे। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया, यह उस समय नहीं समझते, जब वृद्धि होती है तब नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म, इस्लामी आदि धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता। यहाँ पर समझने की बात है, जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, तो क्या क्रिश्चियन धर्म वाले सोने चांदी के महल में रहते थे? नहीं रहते थे, क्योंकि क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना तो की थी लेकिन नई राजाई की स्थापना नहीं की थी। लेकिन परमपिता परमात्मा किसकी स्थापना करते हैं? देवी देवता धर्म की। तो हम देवी देवता धर्म वाले स्वर्ग में सोने चांदी के महल में रहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा ने देवी देवता धर्म की स्थापना तो की ही की है, उसके साथ साथ परमपिता परमात्मा ने स्वर्ग की भी स्थापना की है, नई राजाई की भी स्थापना की है, ठीक है। अब एक फर्क और होता है दूसरे धर्म स्थापकों में और देवी देवता धर्म के स्थापक में। हम ब्राह्मण बच्चे जान रहे हैं कि जो हमारा आगे धर्म बनेगा वो देवी देवता धर्म बनेगा, ठीक है। लेकिन जब क्राइस्ट ने धर्म की स्थापना की, तो शुरू में क्राइस्ट ने जो धर्म की स्थापना की वो धर्म वाले नहीं जानते हैं कि हम आगे चल के क्रिश्चियन धर्म वाले कहलाए जाएंगे। जब क्रिश्चियन वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब फिर उसको क्रिश्चियन धर्म कहा जाता है, ठीक है। क्रिश्चियन धर्म वालों को पहले नहीं पता रहता कि हम क्रिश्चियन धर्म वाले हैं, बाद में उसका नाम क्रिश्चियन रख देते हैं कि क्राइस्ट ने इसकी स्थापना की है तो चलो इस धर्म के नाम रख देते हैं क्रिश्चियन धर्म, ठीक है। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों को अभी से पता है कि हमारा जो धर्म स्थापन होगा वो होगा देवी देवता धर्म। हम ब्राह्मण बच्चों को अभी से पता है कि परमपिता परमात्मा जिस धर्म की स्थापना करेंगे उस धर्म का नाम होगा देवी देवता धर्म। लेकिन क्रिश्चियन और दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं होता। दूसरे धर्म वाले शुरू में नहीं जानते कि हमारा इस धर्म का नाम क्रिश्चियन धर्म होगा, बाद में जब बहुत लोग हो जाते हैं उस धर्म में तब फिर उसका नाम रख देते हैं, उस संस्थापक के नाम पर उस धर्म का नाम रख देते हैं। जैसे बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म की स्थापना की तो जो लोग बौद्ध धर्म में थे वो नहीं जानते थे कि हम बौद्ध धर्म वाले हैं। फिर बाद में जब ये बौद्ध धर्म वाले बहुत ज़्यादा हो गए तब अपना नाम महात्मा बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म रखवा लिए, ठीक है। तो ये फर्क है, जो और धर्म वाले धर्म की स्थापना करते हैं वो केवल धर्म की स्थापना करते हैं, राजाई की स्थापना नहीं करते। लेकिन देवी देवता धर्म के संस्थापक परमपिता परमात्मा देवी देवता धर्म की स्थापना तो करते ही हैं, साथ में राजाई की भी स्थापना करते हैं। इसीलिए हम ब्राह्मण बच्चों को स्वर्ग का राज्य मिलता है, इसीलिए हम ब्राह्मण बच्चों को हीरे जवाहरातों के महल मिलते हैं। फिर दूसरा फर्क ये है कि हम ब्राह्मण बच्चों को अभी से पता है कि जो आगे हमारा धर्म बनेगा वो उस धर्म का नाम होगा देवी देवता धर्म, लेकिन और धर्म वालों को ये पता नहीं होता कि हमारे धर्म का क्या नाम होगा, ठीक है। जब उदाहरण के लिए क्राइस्ट जब क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया,
तो लोग यह उस समय नहीं समझते, जब वृद्धि हो जाती है तब उसका नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों को तो अभी से पता है कि हमारे धर्म का नाम होगा देवी देवता धर्म। परमपिता परमात्मा जिस धर्म की स्थापना करेंगे उस धर्म का नाम होगा देवी देवता धर्म। इस्लामी आदि धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता, तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर के अभी तक चलती रहती है। जब सतयुग लग जाता है तो वहाँ पर केवल देवी देवता धर्म होता है। सतयुग में इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इन सब का नाम निशान नहीं होता है। लेकिन हम देवी देवता धर्म वालों का नाम निशान हमेशा रहता है। हम देवी देवता धर्म वालों का नाम निशान कभी भी मिटता नहीं है। अभी देख लो कलयुग में देवी देवता धर्म तो अब है नहीं, लेकिन देवी देवता धर्म वालों को आज भी मूर्ति बना करके पूजा जाता है ना। तो सतयुग में और सभी धर्मों का नाम निशान नहीं रह जाता, केवल देवी देवता धर्म होता है। लेकिन देवी देवता धर्म का नाम निशान हमेशा चलता रहता है, देवी देवता धर्म का नाम निशान कभी नहीं मिटता। जैसे कलयुग में अब तो देवी देवता धर्म नहीं है तो चाहिए कि देवी देवता धर्म का नाम निशान मिट जाए, लेकिन नहीं, आज भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक है, तो देवी देवता धर्म वालों का कभी भी नाम निशान नहीं मिटता और धर्म वालों का नाम निशान मिट जाता है, कब? सतयुग में। ठीक है, लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं यह भी जानते हो तो इन्हों का राज्य सतयुग में था। तुमको यह ज्ञान वहाँ नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी, सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं बस। अभी तुम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हो। अभी हम ब्राह्मण बच्चे ये भी जानते हैं कि पीछे क्या क्या हो चुका है। अभी हम ब्राह्मण बच्चे ये भी जानते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे सतयुग में ये नहीं जानते कि पीछे क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। हम ब्राह्मण बच्चे सतयुग में सिर्फ अपने चल रहे समय को जानते हैं। ठीक है, अभी हम ब्राह्मण बच्चे जो पीछे हो गया है उसको भी जानते हैं और जो होने वाला है उसको भी जानते हैं। अभी हम ब्राह्मण बच्चों को पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब का नॉलेज है। लेकिन जब सतयुग में हम ब्राह्मण बच्चे देवी देवता बन जाते हैं तो हम ब्राह्मण बच्चों को ना पीछे का पता रहता ना आगे का पता रहता। हम ब्राह्मण बच्चों को सिर्फ जो चल रहा होता है उसी का पता रहता है। ठीक है, पहले पहले हमारा धर्म था, फिर यह सब धर्म आए हैं। संगम पर ही बाप बैठ समझाते हैं, अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब को जानते हो। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे जो बीत चुका है उसको भी जानते हो, जो चल रहा है उसको भी जानते हो और जो आने वाला है उसको भी जानते हो। मतलब अभी तुम ब्राह्मण बच्चे त्रिकालदर्शी बन गए हो। लेकिन तुम ब्राह्मण बच्चे सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, वहाँ तो राजाई करते रहेंगे और धर्मों का नाम निशान नहीं रहेगा, अपनी मौज में राजाई करते रहेंगे। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे सारे चक्र को जानते हो। मनुष्य यह तो नहीं जानते हैं कि बरोबर देवी देवता धर्म था परंतु वह कैसे स्थापन हुआ, कितना समय तक चला, यह नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सतयुग में इतने जन्म राज्य किया, फिर त्रेता में इतने जन्म लिए, इन्हों को भी जानना पड़ेगा। बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें ही आकर के परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा जरूर चाहिए, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। यह निराकार बाप शिव, इनसे यह वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिला, यह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद फिर ब्राह्मण बनते हैं। यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। हम ही ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे सो शिव के बच्चे, हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे हैं फिर सतयुग में आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, फिर देवता धर्म का बादशाह बन करके राज्य करेंगे। योग से ही तुम्हारे पुराने विकर्म विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो फिर स्वर्ग का राज्य नहीं पाएंगे।
यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते हैं, पवित्र भी जरूर रहते हैं, समझते हैं देवताओं के पास जा रहे हैं, मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं। अब स्नान क्यों करते हैं? एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा लेटरिन में जाते हैं, फिर स्वच्छ बन करके देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। यात्रा पर कब पतित नहीं बनते, चार धामों की परिक्रमा पावन होकर के देते हैं, तो पवित्रता है मुख्य। देवताएं भी अगर पतित होते तो फिर हम में और देवताओं में फर्क क्या रह जाता? देवताएं पावन हैं और हम मनुष्य पतित हैं। तुम जानते हो बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है, ठीक है। हम बच्चे जब चार धाम की यात्रा करने जाते हैं तो हम बिल्कुल पवित्र बन करके जाते हैं। हम बच्चे जब कहीं भी यात्रा करने जाते हैं तो बिल्कुल पवित्र बन करके जाते हैं। हम बच्चे जब किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो पवित्र बन करके जाते हैं, ठीक है। हम बच्चे मंदिर में भी जाते हैं तब भी नहा करके जाते हैं, पवित्र बन करके जाते हैं। तो मुख्य बात है पवित्रता की। देवताएं भी अगर पतित होते, अगर देवताएं भी विकारी होते तो फिर हम में और देवताओं में क्या फर्क रह जाता? तो देवताएं पावन हैं और हम बच्चे पतित हैं। तुम जानते हो बाबा ने हमको ब्रह्मा के द्वारा गोद लिया है। वैसे तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाऊं कैसे? परमपिता परमात्मा कहते हैं कि वैसे तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे? मेरे पास तो शरीर नहीं है, राजयोग कैसे सिखलाऊं? तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊं? तुम जानते हो बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बना करके बरसा देंगे। अब कहाँ लायक बनाएंगे? संगम युग में। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर ही आता हूँ, यह बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। कलयुग में है शूद्र धर्म, सतयुग में है देवता धर्म, और कलयुग और सतयुग के बीच में होता है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो, यह संगम युग बहुत छोटा युग है। यह अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, तुम बच्चे अब दूरादेशी बन गए हो। तुम जानते हो कि यह ब्रह्मा का शरीर बाबा का रथ है, इनको नंदीगढ़ भी कहते हैं। सारा दिन सवारी थोड़े ही होती है, आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है, अलग हो जाए तो शरीर ना रह जाए। बाबा तो आ जा सकता है क्योंकि उनकी अपनी आत्मा है, तो मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूँ, सेकंड सेकंड में आ जाता हूँ। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को एक जान देने के लिए ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करता हूँ, ठीक है। अब अगर शरीर में आत्मा ना रहे तो शरीर को क्या कहेंगे? कि शरीर अब मर गया है, ठीक है। लेकिन ब्रह्मा के पास तो अपनी आत्मा पहले से है, परमपिता परमात्मा की आत्मा बाद में ना आकर के घुस जाती है। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के शरीर में आ भी सकते हैं और ब्रह्मा के शरीर से जा भी सकते हैं और फिर से ब्रह्मा के शरीर में घुस सकते हैं, क्योंकि उस शरीर को चलाने के लिए ब्रह्मा की आत्मा तो उसमें पहले से ही घुसी है, ठीक है। तो परमपिता परमात्मा नंदीगण की सवारी हमेशा नहीं करते हैं, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में हमेशा नहीं रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के तन को चलाने के लिए तो ब्रह्मा की आत्मा पहले से ही उसमें मौजूद है। तो परमपिता परमात्मा आते जाते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा तो ब्रह्मा के पास है ही, परमपिता परमात्मा तो सिर्फ ब्रह्मा के तन में केवल एक जान देने आते हैं, ठीक है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन में सदैव नहीं रहता हूँ, सेकंड में आ जा सकता हूँ। मेरे जैसा तीखा राकेट कोई हो नहीं सकता। आजकल राकेट, हवाई जहाज आदि कितनी चीज़ें बनाई हैं, परंतु सबसे तीखी आत्मा है, सबसे तेज आत्मा है। तुम बाप को याद करो, यह आया, ठीक है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मुझसे तेज कोई भी नहीं है, चाहे इस दुनिया में कितना भी हवाई जहाज बना लें, कितना भी रॉकेट बना लें, लेकिन मेरे से तेज कोई भी नहीं है। हम जैसे ही परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं, परमपिता परमात्मा हमारे पास आ जाता है। तो परमपिता परमात्मा की गति कितना तेज है, इतना किसी की गति हो सकती है किसी हवाई जहाज की? बिल्कुल नहीं हो सकती है।
तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सबसे तीखी आत्मा है, तुम बच्चे बाप को याद करो और बाप तुरंत आ जाता है। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा तो सेकंड में वहां जा करके गर्भ में प्रवेश करेगी। ठीक है, जैसे मान लो कि इस जन्म में आत्मा ने भारत में जन्म लिया है, ठीक है, अब उस आत्मा का अगला जन्म लंदन में है, ड्रामा में उस आत्मा का अगला जन्म लंदन में है, तो क्या आत्मा को लंदन जाने में 2-4 वर्ष लगेंगे? बिल्कुल नहीं लगेंगे। जैसे ही भारत वाले शरीर से आत्मा निकलेगी, तुरंत लंदन वाले गर्भ में जा करके प्रवेश कर जाएगी। तो सबसे तेज होती है आत्मा, ठीक है, हवाई जहाज रॉकेट आत्मा के तेज के आगे कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो कि कोई आत्मा भारत में शरीर धारण की है, अब उसको अगला शरीर लंदन में धारण करना है, तो जैसे मान लो कि भारत वाले शरीर से आत्मा निकली, तो क्या आत्मा को लंदन जाने में 2-4 वर्ष लगेंगे? बिल्कुल नहीं लगेंगे। जैसे ही आत्मा भारत वाले शरीर से निकलेगी, तुरंत 1 सेकंड के अंदर लंदन के वाले गर्भ में जा करके प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती क्योंकि वह ताकत ही नहीं रही है आत्मा में। आत्मा अब कमजोर हो गई है, उड़ नहीं सकती है, इसीलिए आत्मा अब अपने घर नहीं जा सकती है, शांति धाम नहीं जा सकती है। आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है। शरीर पर अगर बोझा होता है तो आग से पवित्र हो जाता है, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि पुराना कर्म भोग है, आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है। कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो कहा जाता है कि पिछले जन्म में इसने बुरे कर्म किया है। जन्म जन्मांतर के कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं। सतयुग में है ही पुण्य आत्मा, वहाँ यह बातें नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लो कलयुग में कोई लंगड़ा जन्म ले लेता है तो उसको क्या बोला जाता है कि इसने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं, इसीलिए इसमें इस जन्म में इसको पैर नहीं मिले, ये लंगड़ा हो गया। ठीक है, तो हमको हर कर्म का हिसाब किताब भोगना पड़ता है। कर्म का हिसाब किताब आत्मा के साथ होता है। शरीर को तो जला करके राख कर दिया जाता है, फिर हमें दूसरे जन्म में कर्म का फल कैसे मिलता है? क्योंकि कर्म का फल आत्मा के साथ में होता है। अगर हम कर्म गलत किए हैं तो हमको दूसरे जन्म में दुख भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो आत्मा संस्कार अपने साथ में ले जाती है, भले शरीर यहाँ छोड़ जाती है आत्मा, लेकिन संस्कार को अपने साथ में ले जाती है। मान लो कि कोई इस जन्म में लगड़ा है तो उसको क्या कहेंगे कि इसने पुराने जन्म में कोई बुरे कर्म किए हैं, इसलिए इस जन्म में लगड़ा है। ठीक है, तो जन्म जन्मांतर के कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं, लेकिन सतयुग में है ही पुण्य आत्मा, यहाँ यह बातें नहीं होती। सतयुग में तो कोई लगड़ा पैदा नहीं होता है, सतयुग में तो किसी को बीमारी नहीं होती, क्योंकि सतयुग में सब पुण्य आत्माएं होती हैं, सतयुग में किसी के पास पाप होते ही नहीं हैं। तो सतयुग में जब किसी के पास पाप होते ही नहीं तो पाप का फल क्या भोगना पड़ेगा? इसीलिए सतयुग में ना कोई लंगड़ा पैदा होता, ना कोई बहरा पैदा होता, ना कोई बीमार होता, क्योंकि सतयुग में सभी पुण्य आत्माएं होती हैं। सतयुग में किसी आत्मा के पास पाप होता ही नहीं तो उसको भोगना क्या पड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ कलयुग में है सब पाप आत्माएं। सन्यासियों को भी लकबा हो जाए तो कहेंगे कि कर्म भोग, अगर सन्यासियों को भी लकबा मार दे तो क्या कहते हैं कि ये सन्यासी अपना कर्म भोग भोग रहा है। अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाए जाते हैं आजकल, तो फिर श्री श्री 108 जगत गुरु को बीमारी क्यों लग रही है? कहेंगे कि इसका भी कर्म भोग है। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि जो लोग बड़े बड़े महात्मा होते हैं वो अपना नाम क्या लिखते हैं? महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु शंकराचार्य, ऐसे अपना नाम लिखते हैं। तो जो अपना नाम श्री श्री 108 जगत गुरु लिखते हैं उनको भी बीमारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको भी अपने कर्म का भोग भोगना पड़ता है, क्योंकि वो भी पुराने जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल भोगना पड़ेगा।
तो अगर चाहे कोई भी कितना भी बड़ा महात्मा हो, अगर उसको भी बीमारी होगी, उसको भी लकवा मारेगा, तो हम यही कहेंगे कि ये कर्म भोग भोग रहा है। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि देवी देवता कभी बीमार होते ही नहीं, देवी देवताओं को कभी लकवा मारता ही नहीं, क्योंकि देवी देवता तो पुण्य आत्मा होते हैं, वो अपने सभी पाप का हिसाब किताब संगम युग पर ही चुकतू कर देते हैं और पुण्य आत्मा बन करके और सतयुग में जाते हैं। ठीक है, देवी देवता अपने सभी पापों का हिसाब किताब संगम युग पर ही चुकतू कर देते हैं और सतयुग में जाते हैं पुण्य आत्मा बन करके। तो देवी देवता तो होते हैं पुण्य आत्मा, देवी देवताओं के पास कोई पाप होता ही नहीं है, वो अपने सभी पापों का हिसाब किताब संगम युग में ही चुकतू कर देते हैं। तो देवी देवताओं के पास कोई पाप नहीं होता, इसीलिए देवी देवताओं को कभी बीमारी नहीं होती, कभी लकवा नहीं मारता। ठीक है, गुरु मरेगा तो फॉलोवर्स को जरूर अफसोस होगा, बाप पर भी ज़्यादा प्यार होता है तो रोते हैं, स्त्री का पति से ज़्यादा प्यार होगा तो स्त्री रोएगी, पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी, मोह नहीं होगा तो समझेगी भाभी तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत प्यार है, पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा तो तुम कहेंगे ओहो बाबा चला गया जिसने इतना सुख दिया, पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत प्यार रहता है, तुम कहेंगे बाबा हमको राजाई दे करके चला गया, प्रेम के आंसू आएंगे दुख के आंसू नहीं आएंगे। जैसे कोई पत्नी जब पति से प्रेम करती है और पति मर जाता है तो फिर पत्नी रोती है। ठीक है, अब अगर मान लो कि उसका पति उसे परेशान करता था तब फिर पत्नी नहीं रोती है, कहती है कि हो गया कर्म का खेल था, हो गया ड्रामा था, हो गया ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जब अंतिम में बाबा शांति धाम में चला जाएगा तो तुम बच्चे भी कहेंगे कि ओहो बाबा चला गया जिसने इतना सुख दिया, पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत प्यार रहता है, तुम बच्चे कहेंगे कि बाबा हमको राजाई दे करके चला गया, तुम बच्चों के आँख से प्रेम के आंसू आएंगे दुख के आंसू नहीं आएंगे। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर के बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं, यह प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे, हमारा पुरुषार्थ ही है कि हम बाबा के गले का हार बने, इसीलिए बाबा को याद करते रहते हैं। मतलब हम बच्चों का बाबा के लिए जितना प्रेम का आंसू आएगा, हम बच्चों में जितना बाबा के लिए प्रेम के आंसू आएंगे, वो सभी आंसू माला के दाना बनते जाएंगे। ठीक है, हम बच्चे जितना बाप के लिए प्रेम के आंसू बहाएंगे, वो सभी प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ ही है कि हम बाबा के गले का हार बने, इसीलिए बाबा को याद करते हैं। बाबा का फरमान है, बाबा का आदेश है कि याद की यात्रा करते रहो। जैसे जब दौड़ाया जाता है तो कहा जाता है कि फलाने स्थान को हाथ लगा करके आओ, फिर वहाँ भी नंबर बार होता है। यहाँ भी जितना बाबा को ज़्यादा याद करेंगे, जो पहले दौड़ी लगा करके जाएंगे, वही फिर पहले स्वर्ग में लौट आ करके राज्य करेंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रही हो, यहाँ बैठे हुए वहाँ दौड़ रही हो, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा इशारा करते हैं कि मुझे याद करो, दूरादेशी बनो। तुम बच्चे दूर देश से आए हो, अब यह पराया देश विनाश हो जाना है, अब इस पराये देश का विनाश हो जाना है, अब यह पराया देश विनाश हो जाएगा, तुम आत्माओं का घर है शांति धाम, तुम आत्माएं इस पराये देश में आती हो पार्ट बजाने के लिए, तो ये अब पराया देश का विनाश हो जाना है, इस समय तुम रावण के देश में हो, यह धरती रावण की है, फिर तुम बेहद के बाप की धरती पर आएंगे, वहाँ पर है राम राज्य, तो राम राज्य तो बाप ही स्थापन करते हैं, फिर आधा में रावण राज्य ड्रामा अनुसार नूधा हुआ है, यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, इसीलिए तुम प्रश्न पूछते हो, कोई नहीं बता सकेगा। अगर कहें आत्मा का फादर गाड फादर है, अच्छा तुमको उनसे क्या वर्षा मिलना चाहिए, यह है पतित दुनिया, बाप ने पतित दुनिया तो नहीं रची है ना, कोई को भी समझाना बहुत सहज है, चित्र दिखाना पड़े, त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है,
ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहाँ है नहीं। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते हैं, उनको देवता समझते हैं। ब्रह्मा तो प्रजापिता हैं, कोई ने कैसे बनाया है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं और कोई की बुद्धि में नहीं आता है। जैसे बांवरे हैं जैसे मूर्ख हैं। रावण को क्यों जलाते हैं कुछ पता ही नहीं है। रावण है कौन, कब से आया, कह देते हैं कि हम रावण को अनादिकाल से जलाते आए हैं। तुम समझते हो यह रावण केवल आधा कल्प का दुश्मन है। दुनिया में अनेक मते हैं, जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया। कोई ने महावीर नाम रख दिया। अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं, यहाँ आदिदेव महावीर नाम क्यों रखा है। मंदिर में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो, उन्होंने माया पर जीत पाई है, इसीलिए महावीर कहा जाता है। तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर के बैठे हो, वह तुम्हारा यादगार है, वह है जड़। फिर भी चित्र जरूर लगाना पड़े, जब तक चैतन्य के पास आकर के समझें। दिलवाड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो, यह पढ़ करके गए हैं तब भक्ति मार्ग में यह यादगार बने हैं। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, गालियां भी खानी पड़ती है, क्योंकि कलंगी धर बनना है। अभी तुम सब गाली खाते हो, सबसे ज़्यादा गलानी मेरी की है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी लोग गाली देते हैं, मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं। विष्णु व शंकर को थोड़े ही गाली देंगे। बाप कहते हैं कि गाली तो मैं ही खाता हूँ, तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है गाली खाने के लिए, नहीं तो यह अपने धंधे में था, गाली की बात ही नहीं। सबसे ज़्यादा गाली मुझे देते हैं, अपना कर्म धर्म भूल गए हैं, कितना समझाते हैं। आजकल भक्त लोग परमपिता परमात्मा को भी गाली देते हैं, आजकल भक्त लोग प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं, लेकिन विष्णु और शंकर को गाली नहीं देते, क्योंकि आजकल के लोग विष्णु और शंकर को भगवान मानते हैं, ठीक है। तो ये भक्त लोग परमपिता परमात्मा को भी गाली देते हैं, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चों के लिए मैं गाली सहता हूँ, ठीक है, तुम बच्चों को स्वर्ग का राज्य देने के लिए मैं गाली सहता हूँ, ठीक है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गाली लोग मुझे ही देते हैं, अपना धर्म कर्म भूल गए हैं, कितना समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है दूरा देसी बनना है, याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है, यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, महावीर बन करके माया पर जीत पानी है, ग्लानी से नहीं डरना है, कलंगी धर बनना है। मतलब अगर तुम ब्राह्मण बच्चों को कोई गाली दे रहा है तो उससे तुम ब्राह्मण बच्चों को डरना नहीं है, क्योंकि बाप भी गाली खाता है तो तुम ब्राह्मण बच्चों को भी तो गाली खानी पड़ेगी। बाप जब तुम ब्राह्मण बच्चों के लिए गाली खा रहा है तो तुम ब्राह्मण बच्चे अपने लिए गाली नहीं खा सकते हो, तो तुमको किसी ग्लानी से किसी की गाली से डरना नहीं है, तुमको एक जान देना है, कलंगी धर बनना है। आज का वरदान है सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। जैसे किसी के पास धन की बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। आपके पास तो हर प्रकार की शक्तियां हैं, सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है, तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है, इन्हें सिर्फ यूज करो, स्व के प्रतिकार में लगाओ तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन है व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। अगर आपको आज की मुरली अच्छी लगी तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें, ठीक है, धन्यवाद, ओम शांति।